मेरे सब बच्ची बहुत थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार ये बट खान पीते पंगे जान जा लेंदे असि बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं देंदे लैंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली साडे पिंड च आउंदी ना पुलिस बल्ली करदा तंग कीड़ा दस बल्ली चिर पली मिंट लगता नहीं खोल दई सिर पली कहती होंगी सी चन तकड़ा बना दी आज हमारा रैंक पुशिंग का 13वां दिन एंड आज वाले मैच में क्या ही चिकन डिनर निकलता है। आज मैंने न्यू इंट्रो ट्राई किया था तो इंट्रो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। जो मैंने सॉन्ग लगाया था उसके ऊपर मुझे कॉपीराइट जरूर मिल जाएगा, मैं इस वाली वीडियो से कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा, बट आप ये मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब अच्छा लगा या नहीं, मतलब कुछ न्यू ट्राई करना सक्सेसफुल रहा या फिर मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो अभी उतरते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे, कैसे हमने इस वाले मैच में चिकन डिनर निकाला है वो आपको दिखाता हूँ। अब आज वाले मैच में आप देखोगे तो मैं एक नई सी लोकेशन पे उतर रहा हूँ एंड यहाँ पर मुझे गाड़ी भी दिख जाती है, दो घर भी दिख जाते हैं, बट मेरे से पहले एक बंदा गाड़ी पे उतर के गाड़ी ले जाता है। अब आप सोचोगे मैं ऐसी अलग सी लोकेशन पे क्यों उतरा आज, क्योंकि मेरी जो लोकेशन है वो फिक्स रहती है ना, बट आज मैं अलग लोकेशन पे क्यों उतरा तो मैं आपको बताता हूँ। तो हैकरों को पता चल गया था मेरी लोकेशन का, भाई साहब मेरी लोकेशन पे उतर के मुझे ही मार रहे हैं मेरे से पहले उतर के। अब उनके पास हैक है, वो जल्दी से उतर के मुझे मार देते हैं। तो ऐसा हो रहा था कि मेरे लगातार दो तीन मैच में हैकर मुझे टारगेट कर रहे थे एंड मार के मुझे फिनिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा 100 प्लस माइनस हो गया था आज। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा अलग उतर के खेलना पड़ेगा, तभी मुझे फायरिंग आती है। मेरे पास अच्छी गन कोई नहीं थी बट मैं जिधर से फायरिंग आई थी उधर की तरफ भागने लग जाता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने आपको एक बोट दिखेगा, जिस बोट को मैं मार सकता था यहाँ से अगर मेरे पास कोई अच्छी गन होती, बट मेरे पास शॉटगन थी तो नजदीक में जाके मारना पड़ता। इस वजह से जैसी मैं उस बंदे पे पुश करने की सोच रहा था तभी पीछे से फायर आता है और उस वाले बोट को कोई और मार देता है। अब यहां पर बोट तो मर गया था और सामने बंदा था जिसके पास M4 थी और उसके साथ मैं क्लोज में ही फाइट कर सकता हूं। अगर मैं दूर से उसके साथ फाइट करूंगा तो मैं ही मरूंगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं वेट करता हूं उस बंदे का मेरे पे पुश करने का। अब काफ़ी देर तक मैं वेट करता हूँ बंदे का पुश करने का, बट बंदा पुश नहीं करता। तभी पीछे से बोट आ जाता है जिस बोट को मैं मार देता हूँ एंड मुझे पता चल गया था मैंने ये जो फायरिंग की है ये मैंने अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब जो सामने वाला बंदा था जिसके पास M4 थी वो मेरे पे पुश करेगा, बट अब मेरे पास गन थी। इस वजह से मैं सोचता हूँ पहले रेंग रेंग के उसकी तरफ पुश करने का, फिर मैं सोचता हूँ कि पुश करना थोड़ा रिस्की है तो मैं फॉल बैक कर लेता हूँ। अब किसी तरीके से मैं फॉल बैक करके घर तक पहुँचता हूँ एंड यहीं पर होल्ड करने की सोचता हूँ, क्योंकि बंदे बहुत तेजी से मर रहे थे और मुझे लग रहा था शायद इस मैच में भी कोई हैकर है। अब यहां पर मैं आराम से लेटा हुआ था तभी यहां पर एक गाड़ी आती है और मैं इस वाले बंदे को मारने की कोशिश करता हूं। अपनी फाइट चलने से पहले ही होता क्या वो देखो, मुझे सामने से साउंड आ गया था बंदा सामने खड़ा है, मैं पुश कर देता हूं। अरे पारस भैया बिग फैन बिग फैन बिग फैन, तभी मुझे आवाज आती है पारस भैया। अरे हेलो मत मारो। तो मैं बोलता हूं मत मारो यार। तो मैं भाई को बोलता हूं ऊपर आ जाओ। अरे अरे आपसे मिलने का सपना था। नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा आपको। अरे मैं सोच रहा था आप मिलोगे। अब यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर से थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं फिर इधर से जोन में निकलेंगे। मुझे भी जोन में जाना था तो मैं अपने सब्सक्राइबर से हेल्प मांग लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद गाड़ी थी। अब यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर को गलती से मार देता हूँ, होता क्या सीन है वो आप देखना। अब सब्सक्राइबर की गाड़ी पे कब्जा करने के बाद सब्सक्राइबर को बिठाने के बाद इधर से मैं निकल जाता हूँ, तभी मुझे सामने से बग्गी दिखती है। मैं बग्गी वाले को मारने की कोशिश करता हूँ।
अब जैसे यहाँ पर मुझे समझ में आता कि ये भी अपना सब्सक्राइबर था और जो अपने साथ आया था वो भी अपना सब्सक्राइबर था, तब तक मैंने फायर कर दिया था। अब यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हम दो थे, वो अकेला था। हालांकि इस वाले बंदे ने उसके ऊपर फायर नहीं किया, शुरू शुरू में हल्का सा किया था, बट जैसे इसको पता चला मैं फाइट कर रहा हूँ उस वाले के साथ, तो ये आराम से ऊपर आके बैठ गया। अब उस वाले बंदे को मैंने मार तो दिया पर मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि था तो वो अपना सब्सक्राइबर ही। अब इस वाले बंदे की मैं पेटी लूटता हूँ जिसको हमने मारा था। इस वाले बंदे की पेटी लूटने के बाद अपना जो दूसरा सब्सक्राइबर था उसे मैं बोल देता हूँ, भाई तुम इधर से चले जाओ, क्योंकि हम साथ रहेंगे तो सारे बंदे रिपोर्ट भी करेंगे और लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा कि हम मिलके खेल रहे हैं, और मैं ये चाहता नहीं हूँ। तो वो वाला बंदा गाड़ी उठा के चला जाता है। अब यहाँ पर मैं अकेला था, लूट वगैरह करके यही वाली पोजिशन को होल्ड करेंगे हम। अब सामने की तरफ से एक बंदा मेरे पे फायरिंग कर रहा था जिसकी मैंने गाड़ी फोड़ दी थी। अब यहाँ पर मेरी 2-3 बंदों के साथ फाइट हुई बट मैं किसी को मार नहीं पाया, सबको डैमेज ही दिया। अब जोन आ गया था, जोन काफ़ी छोटा हो गया था तो मैं जोन में निकलता हूँ। मुझे एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके होल्ड करना था, तो मुझे सामने की तरफ पता था गड्ढा है, तो मैंने सोचा गड्ढे के अंदर होल्ड करेंगे, एंड तभी तेल भी खत्म हो जाता है, तभी सामने बंदा। और यहाँ पर जो DBS ने कमाल दिखाया भाई साहब, पहली बार मुझे शॉटगन रखने पे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हर बार मैं मरता था लोगों की शॉटगन से, बट आज मैंने सोचा कि खुद शॉटगन यूज करता हूँ, एंड भाई क्या ही बचाऊँ मैं। अब इस वाले बंदे की पेटी लूटते हैं, एंड यहाँ पर से मैं कैसे होल्ड करके चिकन निकालता हूँ वो देखना। एंड इस वाले मैच को देखने के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप सेफ खेलते हो तो सेफ खेल के आप अच्छा खासा प्लस कर सकते हो, जरूरी नहीं रश खेलना, सेफ खेल के आप रश खेलने वालों से भी ज़्यादा प्लस कर सकते हो, इस वाले मैच से आपको आइडिया हो जाएगा। अब लूट वगैरह करने के बाद मुझे बंदे की पेटी से AWM मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि AWM उठा लेते हैं, क्या पता किसी ना किसी का टकला फोड़ दूँ। अब यहाँ पर होता क्या सीन है वो देखो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं अपनी पुरानी ट्रिक को फॉलो कर रहा था, गाड़ी पे बैठ के देखने वाली, तभी मुझे बंदा दिखता है। अब इस वाले बंदे को मैं मार देता हूँ। इस वाले बंदे को मारने के बाद फिर से मैं गाड़ी के ऊपर आने की सोच ही रहा था, तभी मुझे साउंड आता है पीछे की तरफ से। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज था, फायरिंग करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी वो बंदा दिख तो रहा नहीं है, इस वजह से थोड़ी देर होल्ड करते हैं, एंड यहीं पर मैं दोबारा से गाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। अब गाड़ी के ऊपर बैठने का मेन रीज़न था, मैं चारों तरफ देख सकता था और मुझे दूर दूर तक दिख रहा था, अगर कोई मेरे पे पुश भी करता तो मेरे पर थोड़ा टाइम तो रहता उस वाले बंदे के साथ कैसे फाइट करनी है वो सोचने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे ही मुझे साउंड आता है सामने की तरफ कोई तो है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे साउंड आ रहा था बट मुझे कन्फर्म नहीं था कि बंदा स्मोक के अंदर कहाँ पर है, इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, आराम से लेट जाता हूँ यहाँ पर। अब काफ़ी देर तक मैं लेटा रहता हूँ बट वो बंदा भी कहीं ऊपर जाके घास के अंदर लेट गया था, मुझे दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि गाड़ी के ऊपर बैठ के देखता हूँ, क्या पता बंदा मुझे दिख जाए। एंड यहाँ पर मेरे 4 किल हो चुके थे, तो मैंने सोचा अच्छा खासा मेरा मैच जा रहा है, 6 ही बंदे बचे हैं, क्या पता चिकन डिनर अपना निकल जाए। तभी पीछे मुझे एक बंदा दिखता है फायर करते हुए, एंड मैं समझ गया था पीछे वाले बंदे को मैं इजीली मार सकता हूँ क्योंकि उसे जोन में आना है। तो मैं गाड़ी से उतर के जाता हूँ ऊपर की तरफ, एंड उस वाले बंदे को मैं कैसे मारता हूँ ये देखो। अब यहाँ पर मैं गाड़ी से उतरने वाला था तभी गाड़ी आती है। अब इस वाले बंदे को ग्रोजा वाला मार देता है, हालांकि ये बंदा मुझे मार सकता था बट इस वाले बंदे को मैं आराम से लपेट देता क्योंकि मेरे पास कवर था, और इस वाले बंदे को मैं आराम से इस वजह से भी मार सकता था, मेरे पास 6 नेड थे। तभी मुझे पीछे एक बंदा दिखता है जिसे मैं मारने की कोशिश करने के लिए जाता हूँ, एंड यहाँ पर देखो मैं बंदे को मार पाता हूँ या नहीं। अब जो पीछे की साइड ग्रोजा वाला था उस पर भी मुझे ध्यान रखना था, और आगे की तरफ से जो जोन में आने वाला था उस पर भी ध्यान रखना था, तो मैं दोनों तरफ इसी वजह से देख रहा था। अब यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर ही रहा था तभी मुझे बंदा दिखता है, एंड इस वाले बंदे को भी हम आराम से मार देते हैं। 5 किल अपने हो गए थे। अब मुझे जोन में जाना पड़ता है क्योंकि अगला जोन बनने वाला था, और जो जोन था वो थोड़ा सा दूर बन जाता है, बट यहाँ पर मेरी किस्मत मेरा साथ देती है, जो आखिरी बंदा बचा था जिसने लास्ट सेकंड को मारा वो अपना सब्सक्राइबर निकलता है। अब यहाँ पर होता है क्या सीन है यहाँ पर वो दिखाता हूँ आपको मैं। अब काफ़ी देर से यहाँ पर मैं होल्ड करके बैठा था और यहाँ पर स्मोक ही स्मोक हो रखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तभी मैं इधर की तरफ आता हूँ, एंड पीछे से जोन चलता देख के मैं सोचता हूँ कि ऊपर चढ़ जाऊँ, एंड तभी यहाँ पर फायरिंग होती है और बंदा सामने वाले बंदे को मार देता है, एंड तभी बंदा कूदने लग जाता है। मुझे बंदे की लोकेशन का पता चल गया था, मैंने सोचा एक नेड करूं, तभी बंदा कूदता हुआ दिखता है मुझे, एंड मैं भी कूद के दिखा देता हूँ, एंड ये अपना सब्सक्राइबर निकलता है। तो इस वाले बंदे से काफ़ी देर तक हम बातचीत करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम पैन फाइट करेंगे। एंड भाई बहुत ही प्यारा सब्सक्राइबर था, मज़ा आ गया इसके साथ बात करके भी और पैन फाइट करके भी। तो सीधा पैन फाइट इंजॉय करो, एंड बंदे का नाम क्या था वो आप लास्ट में पढ़ ही लोगे।
स्टार्ट है पेन फायर। अरे यार तो पेन फाइट आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी इस वाले मैच में अपना कितना प्लस होता है वो आप देख सकते हो। इस वाले मैच में अपना 33 का प्लस होता है। इससे पहले मैंने 100 प्लस माइनस करवाया था तो मूड मेरा वैसे भी ऑफ था, बट इस वाले चिकन डिनर के साथ थोड़ा सा मूड मेरा अच्छा हुआ एंड मैंने सोचा चलो आज आपको चिकन डिनर वाला गेम प्ले दिखाते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।